हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ एक ऐसा मुद्दा जो सालों से चर्चा में है, लेकिन अभी फिलहाल वो चर्चा फिर से गर्म हुआ है। और वो क्यों हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। वो क्यों क्यों की जा रही है, और उसके बारे में क्या मुद्दा है, और क्या केस चल रहा है, और कैसे क्या होगा या क्या नहीं होगा, उसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड एक केस है जो साहबानो केस है, उसके बारे में आज हम आप पूरा डिटेल में जानेंगे कि साहबानो केस क्या था, और साहबानो की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, और ऐसे कैसे केस बन गया। ओके, तो बिना टाइम को खराब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, तो राजीव गांधी और साहबानो का केस, मतलब राजीव गांधी के टाइम में साहबानो का केस की बात करें तो आपको पता है 35 साल लगभग बीत चुके हैं। 1986 का केस है, 85-86 का, 35 साल बीत चुके हैं। कांग्रेस कमजोर होती गई, तो आपको बताएं 35 साल बीते हैं और कांग्रेस इस तरह से कमजोर होती गई, लेकिन आज भी जो मुस्लिम की तुष्टिकरण के दाग नहीं धो पाई है, मतलब जो साहबानों का केस था एक बहुत बड़ा दाग था जो आज भी नहीं धो पाई। आज हिंदू हिंदू हो अस्मिता और हिंदुत्व भारतीय राजनीति में न्यू नॉर्मल है, मतलब बहुत सारे केस सब नॉर्मल है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की राजनीति के चैंपियन के तौर पर उभरे हैं, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं रही हैं। तो आपके बारे में आज हम बात करेंगे 1985 का वो केस जिसने सब कुछ हिला डाला। तो ठीक है, तो 1985 के उस केस के बारे में बात करें जो जो साहबानो केस था। 1985 में क्या हुआ था? 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो मामले में उन्हें तलाक देने वाले शौहर को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जबरदस्त विद्रोह किया। लेकिन क्या हुआ, 1986 में तत्कालीन जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए। संसद ने कानून बनाकर फैसला पलट लिया। तो आपको बताएं क्या गलती हुई थी जिसका खामियाजा आज भी कांग्रेस सरकार भुगत रही है। तो जितनी बड़ी गलती, तो आपको पता है गलतियां हमेशा महंगी पड़ती हैं, जितनी बड़ी गलती होगी कीमत भी उतनी बड़ी चुकानी पड़ती है। कमजोर गलती करे तो शायद बहुत महंगी ना पड़े, क्योंकि ये नुकसान महज उस तक या उसके परिवार तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब ताकतवर गलती करता है तो वो बहुत ही महंगी पड़ती है। क्योंकि बड़ी तो हो या मतलब गलती कोई भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, अगर बड़ी कोई अच्छा जैसे कोई बड़ा हो अगर वो गलती करता है तो वो ज्यादा भारी पड़ता है। तो ऐसे ही गलती की थी राजीव गांधी ने, जो प्रधानमंत्री रहते हुए एक ऐसी गलती की जिसका खामियाजा आज भी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसी गलती जिसने कभी भी लोकसभा सीटें सीटों तक सिमटने पर बीजेपी को पूर्ण लो 2 बार अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में मदद की। एक ऐसी गलती जिसने सेकुलरिज्म की परिभाषा तक बदल दी, सेकुलर को सेकुलर रूपी गाली बना दिया। आज किस्सा राजीव गांधी की उस गलती का करेंगे हम। तो आपको बात करें तो कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी का सरेंडर किस तरह से हुआ। सेकुलर भारतीय संविधान की तासीर में है, संविधान की प्रस्तावना में सद भले 1976 में इमरजेंसी के तौर पर बहस में संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया हो, लेकिन यह भावना तो भारतीय संविधान के जन्म के साथ ही उसकी आत्मा में रची बसी थी। राजीव गांधी की उस ऐतिहासिक गलती से पहले धार्मिक कट्टरता कभी भारतीय राजनीति की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाई। तो बात करें तो हिंदू महासभा हो या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या फिर अकाली दल, जनता ने धर्म विशेष की राजनीति करने वाले दलों को कभी खास तवज्जो नहीं दिया, लेकिन राजीव गांधी की उस एक गलती ने भारतीय राजनीति की सूरत बदल दी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तत्कालीन राजीव गांधी ने 1986 में संसद में एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। कठपुतलियों के आगे राजीव गांधी उस शर्मनाक सरेंडर ने सेकुलरिज्म की परिभाषा तक बदल दी। सेकुलरिज्म और मुस्लिम तुष्टिकरण की विभाजन रेखा ही मिटा दी।
तो आप बात करें डैमेज कंट्रोल और गलती कहाँ हुई थी, तो कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए राजीव गांधी की उस ऐतिहासिक भूल ने तुष्टीकरण का गुब्बारा इतना फुला दिया जिसको फटना ही था। सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे। डैमेज कंट्रोल के लिए राजीव गांधी ने एक और ऐतिहासिक भूल कर दी। इस बार हिंदू तुष्टिकरण की 37 साल के बाद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे का 1986 में ताला खोल दिया गया। वैसे तो यह अदालती फैसला था, लेकिन सरकार नहीं चाहती तो ऐसा फैसला नहीं आता। तब केंद्र के साथ है यूपी में भी कांग्रेस की सरकार थी। जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने फैसले से पहले स्थानीय प्रशासन से पूछा था कि ताला खोलने के कानून व्यवस्था में जुड़ी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तब उन्हें आश्वस्त किया गया था कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर बिना ऊपर से आदेश मिले स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर कोर्ट का भरोसा तोड़ दी गई। ताला खुला। राजीव गांधी ने खुद अयोध्या पहुंचकर पूजा अर्चना की। विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर का शिलान्यास तक कर डाला। राजीव गांधी की इस दूसरी गलती से अयोध्या मामला गर्मा गया। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ा। उसी आंदोलन की बदौलत बीजेपी ने पहले राज्य और फिर बाद में केंद्र में सत्ता का स्वाद चखा। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार पुरता बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में कई राज्यों में सरकारें स्थापित की और अयोध्या केस और 3 तलाक जैसे केसों पर बड़े ही आराम से कार्य को किया। तो आगे बात करते हैं हम साहबानों के बारे में। तो साहबानों केस में क्या था? भारतीय राजनीति में हिंदुत्व न्यू नॉर्मल 35 साल बीते हैं। कांग्रेस कमजोर होती गई, लेकिन आज भी मुस्लिम तुष्टिकरण के दाग नहीं धो पाई। आज हिंदू अस्मिता और हिंदुत्व के बारे में बात करें तो किस तरह से क्या हुआ साहबानों के केस में, आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं साहबानों केस क्या है। ठीक है, शुरुआत में साहबानों केस का जिक्र भर था। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। कहानी शुरू होती 70 दशक से। ये इंदौर में एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे, नाम था मोहम्मद अहमद साहब। साहबानो उन्हीं की पत्नी थी। 1975 में खान ने एक कम उम्र की लड़की से शादी कर ली, और शादी कर ली जो थी साहबानो। ठीक है, 43 साल तक साथ रही उनकी बीवी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? साहबानो के 5 बच्चे समेत घर से निकाल दिया उनके पति ने। एक झटके में एक 59 साल की महिला बेघर हो गई। वकील साहब बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभार कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन साहबानो नियमित तौर पर हर महीने मुजारा भत्ता की मांग कर रही थी। इसे लेकर दोनों में अक्सर विवाद हुआ करते थे। 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने साहबानो को 3 तलाक दे दिया। मेहर की रकम का भुगतान कर खान ने 2 टूक कह दिए, अब आगे एक नया पैसा नहीं देंगे। 3 तलाक के बाद साहबानों ने खान से हर महीने गुजारे भत्ते की मांग को लेकर अदालत का रुख किया। मोहम्मद अहमद खान ने दलील दी कि 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक की ही शादीशुदा महिला की देखरेख की जा सकती है, उसके बाद नहीं। मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। दरअसल भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद आमतौर पर 3 महीने इद्दत की मुद्दत कहलाती है। इस अवधि के दौरान महिला की देखरेख की जिम्मेदारी तलाक देने वाले पति की होती है। अगर महिला उस वक्त प्रेग्नेंट हो तो इद्दत की मुद्दत बच्चे के जन्म तक मानी जाती है। इद्दत की मुद्दत एक तरह की वेटिंग पीरियड है, ताकि इस दौरान तलाकशुदा महिला चाहे तो दूसरी शादी कर सके। मजिस्ट्रेट कोर्ट के से लेकर हाई कोर्ट तक साहबानों के पक्ष में फैसला आया। खान ने हाई कोर्ट में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दलील दी गई दंड प्रक्रिया संहिता CRPS की जिस धारा 125 के तहत एक धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते की मांग की गई, वह मुस्लिमों पर लागू ही नहीं होती, क्योंकि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा मामला है। मामला 5 जजों की संविधान तक पहुंच गया। आखिरकार 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन CJI YV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपनी ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वो साहबानों को हर महीने भारत पुरुषों के लिए लगभग 189.20 मतलब लगभग 180 रुपए दिया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने समान नागरिक संहिता का भी जिक्र किया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि तलाक के बाद बीवी को मेहर देने का मतलब यह है कि उसे गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। गुजारा भत्ता तलाकशुदा पत्नी का हक है। शीर्ष अदालत ने सरकार से भी समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। इससे पहले भी कई मौकों पर समान नागरिक संहिता बनाने की सलाह दे चुका था। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी कहा गया है कि राज्य भविष्य में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। तो डीपीएसपी में समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात धारा 19 आर्टिकल 44 में की गई है। आगे बात करते हैं कट्टरपंथी व आगे राजीव गांधी की सरकार कैसे झुकी। तो बात करते हैं कट्टरपंथियों का आगे कैसे झुक गई राजीव गांधी की सरकार। तो साहब बहनों मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया। तिलमिलाई भी क्यों ना, उनका तो पूरा वजूद ही खतरे में था। फिर क्या था, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को इस्लामी मामलों में दखल बताया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह विडंबना ही थी कि लेफ्ट दलों को छोड़कर सेकुलर कहे जाने वाली कामोबेश हर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेकुलर फैसले का विरोध किया। उसके बाद क्या हुआ, इतने विरोधाभास के बाद शुरुआत में लगा कि राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव करते हुए दमदार भाषण भी दिया। फिर क्या हुआ, लेकिन साल भर के भीतर ही मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे राजीव गांधी की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार दिया। कानून 1986 पारित कर दिया। 1986 कानून के पारित 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव करते हुए दमदार भाषण दिया। लेकिन साल भर के भीतर ही मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार कानून 1986 पारित कर दिया। कानून के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी मंत्रिपरिषद के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साहबानों अदालती लड़ाई जीतने के बाद भी हार गई, राजनीति ने उन्हें हरा दिया। कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी सरकार के उन्हें हरा दिया। 6 साल बाद 1992 में ब्रेन हैमरेज से साहबानों की डेथ हो गई। तो ये रहा पूरा केस साहबानों का, क्या है क्या मुद्दा है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया होता तो शायद उनको न्याय मिला होता। या आज भी मुस्लिम महिलाएं जितनी भी हैं उनको इस तरह के बहुत सारे भेदभावों का सामना करना पड़ता है। तो यूसीसी आने से उनको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। क्या क्या लाभ होगा इसको मैं बनाऊंगी अलग वीडियो, ठीक है। तो आपको ये केस समझ में आया या नहीं आया और कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमको देना जरूर, ओके। तो ऐसे ही अगर आपको के दिमाग में और कुछ जानने की जिज्ञासा है तो आप उनको बताइए, हम आपके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।